Good afternoon, students, and welcome to the online classes. I am Sashi Sahu, assistant professor from Biotech department. और आज के online classes में हम लोग जो hormones की series पढ़ रहे हैं अभी hormone के पूरे discuss कर रहे हैं plant hormone के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एक hormone अपना complete कर लिया है. आज जो है hormone के उसी series में जो है हम लोग दूसरा hormone पढ़ने वाले हैं और उस hormone का नाम है gibberellins. जिब्रेलिन्स भी क्या है? एक फाइटो हार्मोन. फाइटो हार्मोन का मतलब क्या होता है? प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन. तो ये फाइटो हार्मोन होता है एक, जो जिब्रेलिन है. अभी जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन के बारे में किसने बताया, कैसे पता चला, पहले तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग. तो जिब्रेलिन की अगर बात की जाए तो इसका जो डिस्कवरी हुआ था, जो इसका आविष्कार हुआ था, जब लोगों ने इसके बारे में जाना था, या फिर डिस्कवरी बोले इसका, इसका डिस्कवरी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ था. इसका जो डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड इन एन इंटरेस्टिंग वे एंड इंसिडेंटल वे, बहुत ही अचानक तरीके से, बहुत ही अचानक में इसके बारे में लोगों ने जाना था. अचानक ही इसके बारे में साइंटिस्ट लोगों को भी पता चला था. तो वो कैसे हुआ था ये पता करते हैं. लगभग 20th सेंचुरी की बात होगी, मतलब 20वीं सदी, 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, 20th सेंचुरी की बात होगी. इन 20th सेंचुरी जापानीज फार्मर्स, जो जापान के फार्मर्स थे, जो जापानी लोग थे, जो जापान के जो किसान लोग थे, जापानीज जो फार्मर्स थे, वो उन लोग नॉर्मली अपने खेतों में क्या करते थे, जैसे एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, वैसे ही कर रहे थे. लेकिन जापानीज फार्मर्स जो है, उन्होंने एक चीज नोट किया, अपने जो पौधे उगाते थे उन लोग, जो अपने जिस फसल को उन लोग उगाते थे, जो ग्रो करवाते थे क्रॉप्स को, उसमें उन लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि जो कुछ प्लांट्स थे, जैसे कि अगर चावल की बात की जाए, जो धान लगाते हैं हम लोग, जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जिस जो चावल जो ग्रो करवाते हैं, जैसे कि राइस है, राइस के प्लांट्स में जो है कुछ प्लांट्स जो है, जो राइस के कुछ जो पौधे थे वो बहुत ही ज्यादा लंबे, मतलब टॉल थे, बहुत ज्यादा हाइट जो उनकी थी वो अच्छी खासी थी. जनरली जो है नॉर्मल साइज के होते हैं जो लगे रहते हैं, लेकिन कुछ राइस के जो थे वो अच्छे खासे जो है टॉल थे, अच्छे खासे, ठीक है, अच्छे खासे टॉल थे, और साथ ही साथ जो है पतले थे, और उनमें जो है ग्रोथ भी कुछ में अच्छी खासी आती थी, कुछ में कम आती थी. तो इस चीज को किन्होंने नोटिस किया, जो जेपनीज फार्मर्स थे, इन्होंने नोटिस किया कि कुछ कुछ की हाइट तो अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन कुछ की हाइट जो है बहुत छोटी थी. तो इस चीज को उन्होंने नोटिस किया. एंड लेकिन जो कुछ ये जो थे, ये किसी किसी में था, और कुछ कुछ जो थे प्लांट, जो नॉर्मल प्लांट्स थे, उन लोग क्या थे, नॉर्मल हाइट थी, नॉर्मली वो ज्यादा ना ज्यादा पतले रहते थे, ना ज्यादा मोटे रहते थे, ठीक है, ठीक ठाक रहते थे, मीडियम साइज के, और उनमें जो है अच्छे तरीके से फल भी लगते थे, मतलब जो धान की बालियां आती हैं जिसमें चावल होते हैं वो भी अच्छे से होते थे, ठीक है. और जब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ जो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते थे और बहुत पतले रहते थे, और उनमें धान की बालियां अच्छे से नहीं लगती थी जिनमें, उनको उन्होंने सोचा कि इसमें कोई बीमारी हुई है, और उन्होंने उस बीमारी को नाम दिया बेकिने, ठीक है, बेकिने नाम दिया इस बीमारी को, जापानीज लोगों ने नाम दिया, ठीक है, जिन्होंने नोटिस किया. क्या नोटिस किया कि जापानीज फार्मर्स ने, कि कुछ जो धान के पौधे थे वो कैसे हो रहे थे, बहुत ज्यादा टॉलर थे और बहुत ज्यादा पतले पतले थे, जिनमें धान की बालियां भी अच्छे से नहीं आती थी. तो उन्होंने बाकी लोगों को देखा तो बाकी अच्छे थे, उनकी जो हाइट थी वो ठीक ठाक थी, ना ज्यादा वो टॉल थे, ना ज्यादा वो छोटे थे, जबकि ठीक ठाक थे जैसा कि होना चाहिए, और उनमें जो धान की बालियां जो है वो भी अच्छे से लगती थी, और साथ ही साथ जो है उन ये भी पता चला कि उनमें जो है मतलब बोला जाए तो वो पतलापन जो है वो नहीं रहता था, वो ना तो ज्यादा पतले होते थे ना ज्यादा मोटे होते थे, वो ठीक ठाक रहते थे. तो इसलिए उन्होंने जिन लोगों में प्रॉब्लम आती थी, जो एकदम ज्यादा बड़े बड़े दिखते थे और बहुत ज्यादा पतले पतले थे, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने एनालिसिस किया उस चीज का, और ये समझा कि उसमें कोई बीमारी है, तब इसीलिए वो ऐसे हो जा रहे हैं. तो उस बीमारी को उन्होंने क्या नाम दिया, बेकने करके नाम दिया, और बेकने का मतलब होता है फुलिश सिडलिंग.
फुलिश सिडलिंग, फुलिश मतलब होता है बेवकूफ या फिर मूर्ख होता है, और सिडलिंग मतलब जो बीजों का आना है उसे बोलते हैं। तो जो बहुत मतलब मूर्खता से मतलब सीडलिंग हो रही है, मतलब अच्छे से जिसमें सीडलिंग ना हो, जिनमें बीज अच्छे से ना आए, धान की बालियां अच्छे से नहीं लग रही हैं, तो इसलिए उन्होंने उसे एक नाम दिया। खैर ये जापानीज नाम है करके उसका हिंदी वर्जन जो है थोड़ा सा अजीब सा वर्जन है, फुलिश सीडलिंग इसका मतलब था। तो इन्होंने इस चीज को नोटिस किया, अब इनको लगा कि अब कुछ तो करना चाहिए इस चीज के लिए, तो इन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहा। ठीक है, दिस सजेशन वाज एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड बाय इविटी कुरोसावा। फिर उसके बाद एक जापानीज साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था इविटी कुरोसावा, इविटी कुरोसावा ने क्या किया 1926 में, 1926 में इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया और इसके बारे में खोजबीन करने के कर किया, बहुत कुछ जाना इसके बारे में। वो देखते थे पौधों को और नोटिस करते थे कि किसमें जो है बीमारी है, किसमें बीमारी नहीं है, बीमारी वाले में क्या चीज है, नॉर्मल वाले है तो उसमें क्या चीज है, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। स्टेराइल हु डेमोन्स्ट्रेटेड द स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस कुड इनिशिएट द सिम्टम ऑफ बैकनी डिजीज। अब इन्होंने नोटिस किया कि जब अगर कोई भी फफूंद जो है, एक स्पेशल टाइप का जो फंगस है, फंगस मतलब एक फफूंद जो है या कवक बोलते हैं जिसे आप हिंदी में, वो जो है वो क्या करता था, ये इस बैकनी डिजीज के जो प्रॉब्लम होती थी उसको वो एनालिसिस करते हुए उन्होंने नोटिस किया ये जो फंगस है ये कुछ तो करता है इसमें। अब वो अच्छा करता है कि बुरा करता है उसके लिए उन्होंने और खोजबीन की। ठीक है, हाँ तो मैं ये बता रही थी कि आप लोगों का उन्होंने नोटिस किया कि ये जो फंगस है, इन्होंने जब एनालिसिस करना स्टार्ट किया, जब वो पौधों के पास जाते थे तो जहाँ पर जो धान के पौधे लगे रहते थे वहां पर उन्होंने एक स्पेशल टाइप का जो है फंगस देखा। अब ये फंगस क्या कर रहा है इसके बारे में खोजबीन करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने नोटिस किया कि ये जो फंगस है, ठीक है, ये जो फंगस है ये क्या करते थे, ये धान को, धान के पौधों में पतलापन ला रहे हैं और इन्हीं की इनकी वजह से जो है इनमें बेकने नाम की जो बीमारी है वो हो रही है हेल्दी वाले प्लांट में, मतलब जो स्वस्थ हैं जो पौधे उनमें जब ये फंगस जैसे ही कांटेक्ट में आता था उनमें ये बीमारी कर देता था। तो ये जो फंगस है वो रिस्पॉन्सिबल होते थे इस बेकने डिजीज के लिए। ठीक है, इस बेकने डिजीज के लिए जो ये बीमारी है, बेकने बीमारी, उसके लिए जो है आपका कौन जिम्मेदार होते थे, ये जो फंगस है मतलब जो फफूंद है वो जो है जिम्मेदार होते थे। इस चीज को इन्होंने नोटिस किया और इन्हें लगा फिर कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इतना इन्होंने खोजबीन किया, इतना खोजबीन करने के बाद इन्होंने अपना स्टॉप कर दिया। उसके बाद इनको, इनके काम को जो है आगे किसने बढ़ाया, 1939 में इस इनके काम को जो है, इन 1939 यबूता एंड हयाशी, यबूता और हयाशी करके जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो आए। ये सभी जो नाम है ये थोड़े से जापानीज नाम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये पूरा जापान में ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए जब जितने भी नाम आ रहे हैं वो सभी कौन से नाम है आपके जापानीज नाम जो है वो आपके हैं। ठीक है, इंडियन नेम आप लोग नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, जापानीज नाम आ रहा है। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, 1939 में कौन से वैज्ञानिक थे हमारे, यबूता, यबूता एंड हयाशी, ये जो दो हमारे साइंटिस्ट आए, इन दोनों साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म था, यबूता एंड हयाशी आइसोलेटेड दिस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड नेम्ड इट एस जिबरेलिन। ठीक है, इन्होंने अब क्या किया, ये दोनों साइंटिस्ट आए, अब इन दोनों साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज की, वो क्या थी, ये उस पौधे जो जहां पर लग रहे थे, ये जहां पर राइस या धान जो है लग रहा था जिसमें छोटे छोटी बालियां ही बस आती थी या फिर बालियां नहीं आती थी, इन सब में जहां जहां पर फंगस रहता था, ये मान लीजिए कि ये रेड कलर में जो है फंगस है आपका, इन फंगस को इन्होंने आइसोलेट किया मतलब अलग किया।
क्योंकि उसके बारे में स्टडी करना था कि इस फंगस में ऐसा क्या होता था कि जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो इन्होंने इसको आइसोलेट किया पहले, ठीक है। अब उसको आइसोलेट करने के बाद जो है उसकी जांच परख की और उसी से ही इसकी दवाई निकाली जो उस फंगस में जो ग्रोथ प्रोमोटिंग आपके जो सब्सटेंस रहते थे, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जो सांप अगर काटता है किसी को, कि आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे अगर किसी पर्सन को सांप ने काटा है, तो सांप अगर कोई किसी पर्सन को आने काटा है, सांप का जहर उस पर्सन की बॉडी में चले गया है, तो उस पर्सन की बॉडी में जो इंजेक्शन लगाया जाएगा, जो दवाई दी रहेगी, वो भी उस सांप की दवाई जहर से ही बनी रहती है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है, एक पुरानी कहावत है। खैर, वो कहावत सिर्फ मैंने नाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए बताया है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि किसी चीज की जो दवाई है वो उसी चीज से निकलती है। जैसे कि जो पेनिसिलिन का आविष्कार जो हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, वो फंगस से ही किया था, जिस फंगस से वो इन्फेक्शन होता था। उसी प्रकार याबूता और हायाशी नाम के जो साइंटिस्ट थे, 1939 में इन्होंने उस पर्टिकुलरली जो जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही थी उसके उस स्ट्रेन को आइसोलेट किया, उसके उस स्ट्रेन को निकाला जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो रुक सकती थी, ठीक है। मेरा वीडियो अभी भी नहीं शो कर रहा है क्या दिशा? हाँ, तो इन्होंने क्या किया, ये जो रेड कलर का आप लोगों को शो हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये वो वही फंगस है, ये वही फंगस है जिसकी वजह से जो है बीमारियां हो रही है। इस फंगस को पहले इन्होंने क्या किया, अलग किया। अलग किया मतलब आइसोलेट किया। आइसोलेशन करने के बाद जो है इसके बारे में स्टडी करना चालू किया और उसके उस पार्ट को इन्होंने देखा जिससे ये बीमारी जो है ठीक हो सकती थी। जो हमारी बेकने बीमारी थी, जिसकी वजह से जो पौधों में जो है बीमारियां हो रही हैं, वो चीज जिससे ठीक हो सकती थी, उस चीज को उन्होंने फंगस से ही सेपरेट किया। क्योंकि फंगस में अगर कोई चीज बीमारी कर रही है तो उस चीज का इलाज भी रहेगा, उसमें वो चीज का इलाज भी मिलेगा। तो वो जो उन्होंने जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस वहां से निकाला, क्या था वो, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस मतलब एक ऐसा पदार्थ निकाला उन्होंने उसी फंगस से, उसी फफूंद से जिससे बीमारी हो रही थी, उससे वो पदार्थ निकाला जिससे ग्रोथ अगर रुक रही है, ग्रोथ नहीं होती थी ना उसमें, धान की बालियां नहीं लगती थी और पतला पतला रह जाता था, बस लंबा होता जाता था, लेकिन अच्छे से आपका ग्रोथ नहीं, जो वृद्धि नहीं हो रही है उसमें, धान की बालियां नहीं लगती थी, ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है रुक रही थी, उस चीज को रोकने के लिए उसी फफूंद से एक ऐसे पदार्थ को अलग किया, एक ऐसे पदार्थ को अलग किया जो ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ऊपर उठाएगा, मतलब बढ़ाएगा, ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा। जो उस चीज को जो है इन्होंने क्या किया, सेपरेट किया, आइसोलेट किया, और उसे उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिंस। उस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिंस, जो कि क्या है आपका, आज के डेट में आप उसे एक हार्मोन की तरह जानते हैं, ठीक है। तो उसे नाम दिया, क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको सेपरेट किया एंड नेम्ड इट एज जिब्रेलिन ए, which has now been shown as a mixture of many growth promoters collectively known as gibberellins। और बाद में इसके बारे में और स्टडी की गई और ये पता लगाया गया कि प्लांट्स की अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए अगर इस जिब्रेलिन को अगर हम डालें प्लांट्स में, तो प्लांट में अच्छा ग्रोथ भी होगा, उनकी हाइट भी अच्छी खासी रहेगी और साथ ही साथ जो है इनमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें जो है वो नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि पतलापन होना या फिर धान की बालियों का ना आना, उस चीज के लिए जो है ये इस जिब्रेलिन को आज जाना जाने लगा और इसे हार्मोन के रूप में जाना जाने लगा। और इसे हमने सेपरेट किससे किया है, उसी फंगस से ही किया है जिससे जापानीज लोगों ने एक बीमारी को देखा था, उसी बीमारी के रीजन से ही उस बीमारी का तोड़ निकाला है उन्होंने, ठीक है। तो ये आपका था जिब्रेलिन, कैसे आया, कैसे प्रकाश में आया, कैसे इसके बारे में लोगों को पता चला। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका इसलिए क्योंकि बीमारी से ही इसके बारे में पता चला, ठीक। अब इसके हम लोग देखेंगे कि जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या हैं। जैसे हम लोगों ने ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल रोल्स के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही हम डिस्कस करेंगे जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल रोल्स को, कि ये जिब्रेलिन अगर यूज में आता है तो किन चीजों में इसका
यूज किया जाता है, ये क्या क्या काम कर सकता है प्लांट्स में? फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ जिब्रेलिन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके फिजियोलॉजिकल रोल में जो सबसे पहला जो रोल है इसका, वो है जेनेटिक ड्वार्फिज्म को खत्म करना। अब पहले तो ये ड्वाफ करके, ड्वार्फिज्म या फिर ड्वाफ जो बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको जानना जरूरी है। आप लोगों ने बौनापन सुना होगा, कई लोग बौने रह जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं है ना, उनको बोलते हैं बौनापन को, या फिर बौना होना, उसे हम बोलते हैं ड्वाफ। ठीक है, तो जेनेटिक ड्वार्फिज्म को खत्म करने के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। किसे? हमारे जिब्रेलिन को। वो कैसे यूज करेंगे इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। इन सर्टेन प्लांट्स ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन सच इंडिविजुअल और कॉल्ड सिंगल जीन ड्वार्फ्स। कुछ प्लांट्स में कई बार ऐसा होता है कि उनके जीन्स में गड़बड़ी होने की वजह से, उनके जीन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, उन पौधों की जो ऊंचाई है वो बढ़ नहीं पाती, जो हाइट है वो नहीं बढ़ पाती है, वो छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा, कुछ कुछ आम के पेड़ जो रहते हैं या फिर जाम के जो पेड़ रहते हैं, उनका जो हाइट है वो कम ही रहता है, भले उसमें फल लगते रहेंगे लेकिन उनका हाइट जो है कम ही रहता है। तो ये जो है एक प्रकार का एक डिसऑर्डर है जेनेटिक ड्वार्फिज्म में, जो बौनापन होता है ये जेनेटिक ड्वार्फिज्म कहलाता है, क्योंकि जीन्स में ही कुछ कमी होने की वजह से या जीन्स में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से ही बौनापन जो है वो आ जाता है। ठीक है, इन देयर इन दिस प्लांट ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड रेदर देन अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनोड। अब ये जो जेनेटिक ड्वार्फिज्म है वो कैसे आता है उसे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पौधा है, अब यहाँ पर जिस पर्टिकुलर हिस्से से आपका पत्ती या फिर कुछ फूल निकला रहता है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। हमने मैंने इस बारे में पहले भी पढ़ाया है। और जो बीच का हिस्सा रहता है दो पत्तियों का, जो जो खाली हिस्सा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। नोड, और सॉरी नोट लिख दिया मैंने, नोड और इंटरनोड। नोड वो हिस्सा जहां से पत्तियां निकली रहती है, और इंटरनोड जो बीच का हिस्सा होता है जो खाली रहता है। ठीक है, तो जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो इसके बारे में ये पता चला कि ये जो प्लांट की हाइट है, बौनेपन का रीजन ये है कि जो इंटरनोड है उनमें शॉर्टनिंग होती थी। इंटरनोड में शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जैसे कि आप लोग ये पार्ट्स ऑफ स्टेम्स अगर देखें, इस पर्टिकुलर हिस्से को देखेंगे अगर आप, तो अगर आप नोटिस करेंगे अच्छे से कि यहाँ पर जो है नोड किसे बोलते हैं और इंटरनोड किसे बोलते हैं। नोड कौन सा वाला हिस्सा है, जो आप लोगों का ये वाला जो हिस्सा है जहां से डंगाल जो है आगे निकली है। ठीक है, ये देखिए जहां से पत्तियां एक्चुअली निकलना चालू कर रही हैं, और जो खाली हिस्सा है जहां से कोई पत्ती या कोई डंगाल नहीं निकली है वो इंटरनोड कहलाता है। तो ये जो कभी भी आपकी जो ये बीमारी हो रही है, जिसमें जिन प्लांट्स में जिन पौधों में ये जेनेटिक ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें नोटिस किया गया कि ये जो नोड और इंटरनोड है ना, इंटरनोड जो है वहां पर का जो गैप है जितना होना चाहिए उस वो कम है। इंटरनोड जो है बहुत छोटे छोटे इंटरनोड आ रहे हैं। मतलब कैसे रहेगा कि ये जो प्लांट है यहाँ पर पत्ती रहेगी, फिर दूसरी पत्ती यहाँ पर रहेगी, तीसरी पत्ती यहाँ पर रहेगी, तो इंटरनेट के लिए तो बहुत छोटा जगह बच रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो इंटरनोड जो है बहुत शॉर्ट रहते थे। कौन इंटरनोड किसको बोलते हैं, और जैसे कि जस्ट अभी जैसे दिखाया है, ये देखिए ये इंटरनोड है ना, ये इतना बड़ा जो इंटरनोड आपको दिख रहा है ये इंटरनोड उतना बड़ा भी नहीं रहता था, बहुत छोटे छोटे इंटरनोड होते थे। इंटरनोड जो है बहुत शॉर्ट हो जाते थे, जिसकी वजह से ये जीन की कमी होने की वजह से ही होता था। और इस जीन की कमी होने की वजह से जो इंटरनोड इतने शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे होने की वजह से प्लांट्स की जो हाइट है वो बढ़ती नहीं थी, प्लांट्स की हाइट छोटी ही रह जाती थी। तो
इंटरनोड की जो है बढ़ना चाहिए। अगर छोटा रह जाएगा तो फिर प्लांट जो है वो बढ़ेंगे नहीं, और साथ ही साथ जो है इंटरनोड नहीं, कई बार ऐसी स्थिति भी आती थी कि इंटरनोड में, इंटरनोड छोटे छोटे तो है, वो भी स्थिति आ रही थी कई बार। किसी किसी पौधे में तो ऐसा होता था कि पत्तियां 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 लग रही है हर जगह, लेकिन इंटरनोड का वाला पार्ट ही नहीं है। इंटरनोड जो है कई बार डिक्रीज होने लगते थे, उनकी संख्या कम होने लगती थी। उस स्थिति में क्या होता था कि जो आपके जो पौधे हैं उनमें बौनापन आ जाता था और आपके प्लांट्स की जो हाइट है वो नहीं बढ़ पाती थी। ठीक है, प्लांट्स की हाइट नहीं बढ़ पाती, तो ये जो है बौनापन आने की वजह से जिब्रेलिन को यूज किया गया इस कमी को दूर करने के लिए। एप्लीकेशन ऑन जिब्रेलिन्स ऑन सच ड्वार्फ्स कॉज देम टू इलॉन्गेट सो मच एज टू बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द टॉल नॉर्मल प्लांट्स। इलॉन्गेशन ऑफ द स्टेम इन फैक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू एन इलॉन्गेशन इन द इंटरनोड रादर देन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनोड्स। अब ये क्या किया, जैसे अगर आप जिब्रेलिन यूज कर रहे हैं तो जिब्रेलिन के, जिब्रेलिन को जब हम यूज करते थे, जिब्रेलिन क्या करता था, इस इंटरनोड का जितना होना चाहिए हिस्सा, जैसे इसमें देख रहे हैं इतना हिस्सा होना चाहिए, एटलीस्ट जितना पार्ट इंटरनोड कवर करना चाहिए उतना इंटरनोड का हिस्सा आने लगा जब जिब्रेलिन को यूज किया जाने लगा तब। और जिब्रेलिन जो है इंटरनोड की संख्या को एकदम से बढ़ाया तो नहीं, लेकिन इसके यूज से इंटरनोड का जितना हिस्सा होना चाहिए, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये वाले डायग्राम में इतना हिस्सा जो है इंटरनोड का है, इतना गैप होना चाहिए एक दोनों नोड के बीच में, ये एक नोड है ये दूसरा नोड है, दोनों नोड के बीच का हिस्सा इंटरनोड कहलाता है, तो अच्छा खासा गैप होना चाहिए दो नोड के बीच। तो इतना गैप जो है वो आने लगा किससे, जिब्रेलिन के यूज से, और साथ ही साथ अच्छी हाइट भी आने लगी, बौनापन जो है कम होने लगा। और जिब्रेलिन का ये फिजियोलॉजिकल रोल है जो है, जिसे हम लोग जेनेटिक ड्वार्फिज्म कहते हैं, जिसमें बौनापन जो जेनेटिक तरीके से जो बौनापन होता है उसे ये दूर कर सकता है। किससे, इसको यूज करने से जो इंटरनोड है उनमें जो गैप रहता था जिसमें, जहां पर इंटरनोड होना चाहिए वो सही होने लगा, इंटरनोड सही तरीके से सही जगह पे रहने लगे, इंटरनोड की संख्या में जो कमी आ रही थी वो ठीक होने लगी, जिससे जो है आपके प्लांट की जो हाइट है वो अच्छी खासी बढ़ने लगी, जिसमें जो बौनापन था वो दूर हो गया। तो ये एक पहला फिजियोलॉजिकल रोल था। अब दूसरा फिजियोलॉजिकल रोल हम देखते हैं जो है बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग, अब ये बोल्टिंग क्या है और ये फ्लावरिंग क्या है, इसको समझना पहले जरूरी है। कभी भी किसी भी चीज को समझने पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि उसके शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो फ्लावरिंग का मतलब तो ये हो गया कि फूलों का आना। ठीक है, फूल जो आ रहे हैं, फूल अच्छे से लग नहीं पाते हैं किसी किसी पौधों में। कई बार आप पौधे तो लगा देते हैं घर में, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि उसमें तो फूल ही नहीं आ रहे। आपने गुलाब का पौधा तो लगा दिया, लेकिन गुलाब के पौधे में तो गुलाब ही नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ गुलाब आने का? तो आप कई, ये एक प्रॉब्लम होती है, कई बार फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर बोल्टिंग की बात की जाए तो बोल्टिंग का एक्चुअल हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो मैं आप लोग को बता देती हूँ बोल्टिंग का एक्चुअल मतलब। बोल्टिंग का मतलब ये बताया जा रहा है, अगर आपने आपने पौधा लगाया, पौधे लगाने के लिए आपने बीज का छिड़काव किया। ठीक है, बीज का छिड़काव किया, मिट्टी में बीज को दबा दिया और आपने फिर पानी छींटना स्टार्ट किया, ताकि जो है उसमें पौधे का जो है वो है ग्रोथ हो, मतलब पौधा जो है वो उगना स्टार्ट हो उस बीज से। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि जो आपके वेजिटेबल्स हैं, अगर आपने सब्जियों में सबसे ज्यादा ये बोल्टिंग की प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है वो प्री मैच्योरली एकदम से स्पीड में बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं, लेकिन उसमें फल नहीं आएगा। वो जल्दी जल्दी बढ़ने तो लगेंगे लेकिन उसमें फल नहीं आएगा, तो उसकी वजह से ना ये बोल्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो ये कई बार आती है। ठीक है, अब अगर इसको एक बार और ध्यान से समझें तो बोल्टिंग के बारे में और फ्लावरिंग के बारे में, फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में और अच्छे से देख बताती हूँ मैं आप लोगों को।
रोजेट प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर प्रोफ्यूज लीव्स डेवलपमेंट एंड रिटार्टेड इंटरनोडल ग्रोथ. कई एक प्लांट है रोजेट प्लांट. कौन सा प्लांट? रोजेट प्लांट. ठीक है, इस रोजेट प्लांट में क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो रोजेट प्लांट जो होता है इसमें जो है लीव्स जो है जो पत्ते रहते हैं इसके वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते हैं. पत्ते जो हैं मतलब छोटे छोटे रहेंगे या तो फिर कलर उसमें अच्छा नहीं आएगा, प्रोफ्यूज्ड हो जाते हैं वो. ठीक है, और जो इंटरनोड होता है इनमें, जैसे कि जो डायग्राम में आप इंटरनोड देख रहे हैं, जो रोजेट प्लांट का जो इंटरनोड होता है वो डेवलप्ड नहीं होता है, वो उतना अच्छा नहीं रहता है जैसा होना चाहिए. इंटरनोड डेवलप्ड नहीं होंगे, कहीं से भी पत्तियां निकल जा रही हैं, इंटरनोड का कोई वैल्यू नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाती है प्लांट्स की, फ्लावर अच्छे से नहीं लग पाते हैं. ठीक है, बट प्रायर टू द रिप्रोडक्टिव फेज देयर अकर्स स्ट्राइकिंग इलोंगेशन इन द इंटरनोड सो दैट द प्लांट अटेन 5 to 6 times द ओरिजिनल हाइट्स. और कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि अचानक से सडन में ऐसा ग्रोथ होने लग जाएगा कि एकदम से ऊंचा हो जाएगा प्लांट एकदम सडन में. क्यों? क्योंकि इंटरनोड अच्छे खासे दिख रहे हैं, तो हाँ हाइट बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, लेकिन ना फ्लावर लग रहे हैं ना फल आ रहा है. तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार, कि कई बार आप लोगों ने वही चीज में आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि अगर हमें गुलाब का पौधा लगाया, गुलाब का पौधा बढ़ तो रहा है लेकिन उसमें फल नहीं लग रहे हैं, फूल नहीं लग रहे हैं. आपने आम का पेड़ लगाया है घर पे, आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ बड़ा हो गया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसमें आम के बौर भी नहीं लग रहे हैं, ना तो आम आ रहे हैं उसमें, ना आपका फल लग पा रहा है. तो ऐसी स्थिति में आपका फ्लावरिंग भी नहीं होता है और बोल्टिंग नहीं होता है. बोल्टिंग वाली कंडीशन में जो है लीव्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, रिटार्टेड इंटरनोड्स होते हैं. ठीक है, तो या और उसमें कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जो हाइट होती है पौधे की या फिर पेड़ की, जो हाइट है वो 6 times हो जाती है. जितनी हाइट होनी चाहिए उससे 6 गुना ज्यादा जो है हाइट जो है उसकी बढ़ जाती है, जो कि सही नहीं होता है. उतना ज्यादा हाइट बढ़ना, इतना ज्यादा हाइट बढ़ जाएगा तो हम लोग को कोई फायदा हो रहा है क्या? क्योंकि ना तो उसमें फूल लग रहे हैं ना तो उसमें फल लग रहे हैं. ठीक है, तो उसको अगर हम जिब्रेलिन से ट्रीट करें ऐसे कंडीशन में, अगर बोल्टिंग और फ्लावरिंग की कंडीशन में हम लोग जिब्रेलिन से इसके ट्रीटमेंट दें, जिब्रेलिन हम लोग डालें, इस हार्मोन को उसमें इंसर्ट करवाएं, तो उससे क्या होता था, ये उसको बोल्टिंग से या फिर शूट एलोंगेशन से, जिसमें जो है शूट लगातार, बोल्टिंग का बढ़ना मतलब बोल्टिंग होना मतलब जो स्टेम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो तना है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तना जो है या फिर जो स्टेम है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही, उसमें फल नहीं लग रहे हैं, फूल नहीं आ रहा है, तो ये जो है बोल्टिंग कहला रहा है. ठीक है, शूट जो है इलांगेट हो रहे हैं, शूट जो है बड़े होते जा रहे हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है. तो उस कंडीशन में जब हम जिब्रेलिन को अप्लाई करते हैं, जिब्रेलिन को अप्लाई करने की कंडीशन में जो है फ्लावरिंग अच्छे से होगी और जो एकदम से हाइट जो बढ़ रही है वो भी थोड़ी सी कम होगी, जिससे जो है बोल्टिंग और फ्लावरिंग ना होने की जो कंडीशन है वो खत्म होती है. तो जिब्रेलिन जो है बोल्टिंग और फ्लावरिंग के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का काम करते हैं, जो फ्लावरिंग नहीं होता है उसको और बोल्टिंग की प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करने का काम करता है आपका जिब्रेलिन्स. ठीक है, तो इतना ही आज की क्लास में मैं बताऊंगी दो फिजियोलॉजिकल रोल की. इसका एक फिजियोलॉजिकल रोल जो है वो बच गया है, जिसको मैं कल की क्लास में बताऊंगी, क्योंकि टाइम हो चुका है, मेरी दूसरी क्लास भी है, आप लोग की भी दूसरी क्लास होगी, तो यहीं पर खत्म करते हैं इसको. आई होप आप लोगों को इतना सब चीजें समझ आया होगा. किसी को कोई